नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज सहल, अंकिता मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज इस वक्त 2-1 से टीम इंडिया आगे है और चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट होगा ये मैच। लेकिन इस मैच से पहले जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं उस खिलाड़ी का नाम है सरफराज खान। एक ऐसा नाम जिन्होंने आते ही कहते ना आग लगा दी बल्ले से, और पहले जो राजकोट में उनका डेब्यू हुआ था वहीं से उन्होंने बता दिया था कि मेरे बल्ले में क्या खास बात है और मैं क्या कर सकता हूँ। अंकिता, क्या कहेंगे यार सरफराज खान की इस तरीके का धमाकेदार परफॉर्मेंस पर? देखिए, 25 साल के युवा बल्लेबाज हैं और हम कहते हैं ना कि सामने इंग्लैंड की टीम या फिर बड़ी टीम जो होती है, और आप खासकर जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं प्रेशर भी रहता है, नर्वसनेस भी रहती है। लेकिन सरफराज खान ने वही स्टाइल अपनाया जो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अपनाते हैं, और क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई। पहले इनिंग में 62 रन की अच्छी पारी खेली और दूसरी इनिंग में 68 रन की नाबाद पारी खेली, और शायद उन्हें और भी पहले भेजा जाता तो शतक भी आ सकता था उनके बल्ले से। लेकिन राजकोट में उनका बल्ला चला, अब उम्मीद है कि रांची में भी वो धमाल कमाल मचाएंगे। क्या लग रहा है आपको मोरू की रांची में भी सरफराज की बैटिंग इसी लय में नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा कि 60 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया था और तब्दील करना चाहते थे शतकीय पारी में। खैर, वो उस दिन शायद उनका दिन नहीं था और पारी घोषित भी हो गई थी, लेकिन अगर ये बल्लेबाज मैदान पर होता ना तो डेफिनेटली शतकीय पारी इनके बल्ले से देखने को मिलती। बिल्कुल, क्योंकि वो रन आउट हो गए थे उस पारी में और दूसरी पारी जब आई तो 68 नॉट आउट थे, वो पारी डिक्लेयर कर दी थी टीम इंडिया की। लेकिन जो सरफराज खान का जो खेलने का तरीका है, जो स्टेप आउट करके छक्के मारते हैं वो स्पिन गेंदबाजों के को, तो उसमें कड़ी मेहनत भी है उनकी उसके पीछे। अब ऐसे तो इतना आसान भी नहीं छक्के मारना, क्योंकि हम हमेशा स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब सवाल ये है कि जो स्पिन को खेलने की जो महारत है इसके पीछे की कारण क्या है? उसके पीछे कारण उनकी कड़ी मेहनत है। उन्होंने उनके जो कोच हैं उन्होंने बताया एक चैनल्स को कि वो जो सरफराज खान जो 500 गेंद हर रोज खेलते थे, वो अब उन्होंने ये बात बताई है 500 गेंदों का राज क्या है। क्योंकि उन्होंने बताया कि जहाँ पे गेंद टर्न करती है ना जिन पिचेस पर, वहाँ पर वो बैटिंग करते थे, और खासकर मोनू स्पिन के अगेंस्ट, स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल, तो वहाँ पर वो मेहनत करते थे अंकिता, और हर रोज 500 गेंदे खेलते थे। और वो 500 गेंदे किसकी, जो लेफ्ट आर्मर स्पिनर है या दाएं हाथ का स्पिनर है, बाएं हाथ को भी खेलते थे, ऑफ स्पिन, कभी टॉस स्टफ, कभी लेग स्पिन। तो उन्होंने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली थी डोमेस्टिक में, इतना कुछ उन्होंने हासिल कर लिया था, इसीलिए वो जो मेहनत वहाँ की उसका इम्पैक्ट अब इस टीम इंडिया में अब देखने को मिल रहा है। और जो इंग्लैंड के साथ जो सीरीज थी उसमें जो दो मैच मिले, दो पारियां मिली, उसी में उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना टेम्परामेंट है। बिल्कुल, हमने देखा था कि जो मैच स्टार्ट हो रहा था यानी कि उनका डेब्यू मैच था, उसके पहले भी एक इंटरव्यू काफी ज्यादा उनका वायरल हो रहा था, तो वहां पर भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा देखिए, जब तक मैं 300 से 500 गेंदे नहीं खेल रहा था तब तक वो चैन होता है ना, वो दिन की शुरुआत मेरी नहीं होती। तो इस बल्लेबाज में एक अलग ही जोश है। अगर आप में क्रिकेट की ललक है या फिर किसी भी चीज में आपकी ललक है तो डेफिनेटली आपको उस मुकाम तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। और सरफराज खान के साथ भी मोनू ऐसा ही हुआ, वो गजब की बल्लेबाजी, आते ही उन्होंने बिल्कुल खौफ नहीं था मैदान पर, थोड़ा नर्वसनेस थे जब नर्वस नजर आ रहे थे वो, तो जडेजा उनके पास गए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया होगा कि भाई कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, भरोसा रखो। मतलब उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस मोनू शेयर किया होगा कि मेरा भी डेब्यू मैच था, उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस था। तो यही होती है एक अच्छी खिलाड़ी की पहचान, एक अच्छी सीनियर प्लेयर की पहचान। तो देखिए, यहां पर सरफराज खान तो छा गए हैं और अब उनके लिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो ओडीआई मैच भी खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, क्योंकि बल्ले से रन बना रहे हैं। और अगर टेस्ट मैच में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के पार कर रहा है मोनू, तो उनको कोई दो राय नहीं है कि उनको हर एक फॉर्मेट में खिलाना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक वनडे में भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन अब थोड़ा सा अर्ली होगा कहना, क्योंकि अभी तो स्मॉल सैंपल साइज, अब तो मैच ही खेला है, दो पारी खेली है, दोनों में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की, जो स्पिन के अगेंस्ट कोई अच्छा उन्होंने इंटेंट जो दिखाया है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने ये भी बताया उनके कोच ने कि वो 1600 किलोमीटर सफर करते थे गाड़ी में। अब वो मुंबई में ओवल की एक जगह थी, कहीं क्रॉस थी, तो उन पे उन्होंने मैचेस खेले हैं, उसके बाद कभी मेरठ आए, कभी मुरादाबाद आए, तो वो ट्रैवल करते रहते थे अंकिता, और वो पैसन था उनके अंदर क्रिकेट के प्रति, और उसी वो लगन कह लीजिए, वो मेहनत कह लीजिए, आज उसका रंग देखने को मिला है टीम इंडिया को। और ये जो मेहनत जिस तरीके से करते सरफराज खान, और जब उनका डेब्यू हुआ था अंकिता, वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था यार, अगर आपको याद हो तो उसमें जब आए थे। बिल्कुल, देखिए इमोशनल मोमेंट हर एक खिलाड़ी लिए होता है, जब भी वो डेब्यू कैप उनके हाथ में आती है और सामने सीनियर प्लेयर उन्हें डेब्यू कैप पहनाते हैं, तो सामने उनके पेरेंट्स जो रहते हैं या फिर जो टीममेट्स भी होते हैं, इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए, और खुद के लिए भी होता है कि अब फाइनली मुझे टीम इंडिया के लिए मौका मिल गया है। वो मौका मिला है उनकी पिछली मेहनत से, डोमेस्टिक में उन्होंने इस तरीके से बल्लेबाजी की है मोनू, तो
उन्हें नहीं भी लेना कोई तरीके से तुक नहीं बनता था। और जब वो टीम में आए हैं तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ भी किया है, 100% उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दमखम दिखाया है। मिडिल ऑर्डर का जो कमाल रहा है, जो इम्पैक्ट रहा है, हमने कहा है कि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारा बीच में डिसबैलेंस हुआ था, तो सरफराज खान है, उन्होंने उस फुलफिल किया उस प्लेस को। तो यही कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और रांची में भी इनका बल्ला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि सरफराज खान 24 कैरेट सोना जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और जो विराट की एबसेंस थी और केएल राहुल की जो एबसेंस थी वो कमी खलने नहीं दी है। तो सरफराज खान की स्ट्रगल भरी कहानी हमने आपको बताई, और ये साहसी ये पारी थी, और उन्होंने जो बैक टू बैक दो 50 लगाई और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस था वो अलग ही नजर आया। तो देखिए इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।